হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। নমস্কার আপনার সকলকে, মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। সো গাইজ, সো আই এম ভেরি ভেরি এক্সাইটেড ফর টুডে, কিউকি আজ মই एक ऐसे शख्स के साथ शूट करने जा रही हूँ जिनके साथ शूट करने का मेरा बहुत पहले से मन था। लाइक बहुत, जब मैं बॉम्बे आई थी तभी आई वॉन्टेड टू शूट विद हर, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन बॉम्बे। सो मेरा ऐसा था कि यार मुझे इनके साथ एक दिन तो शूट करना है, एंड द डे फाइनली हैज़ अराइव्ड। या सो आई एम गोना डू अ फोटोशूट विद नेहा अद्विक महाजन दी, एंड हम जा रहे हैं बहुत दूर। मेरी कैब अभी 7 मिनट में आ रही है। बहुत दूर मतलब हम जा रहे हैं भिवंडी, लाइक लिटरली यहाँ से इट विल टेक अस अराउंड 2-2.5 आवर्स। बहुत दूर लेगा। और मैं जा रही हूँ अद्विक जी के साथ, हर हस्बैंड एंड आल्सो अ वेरी फेमस एक्टर। आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत सारे शोज में उनको देखा होगा। एंड नाउ आई एम गोना गो, अभी मैं घर से निकलने वाली हूँ और वहाँ पे जाके ये शूट करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। और हम कुछ बहुत अलग थीम करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने कुछ इतना नहीं सोचा, उन्होंने सब कुछ सोचा है, प्लान किया है, एवरीथिंग। सो या लेट्स गो, आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। दिस ये पैंट लोअर मुझे मिला था, मतलब ये मैंने लिया था अर्बैनिक से, एंड दिस टॉप इज फ्रॉम H&M। कैब आ चुकी है पर मेरी लिफ्ट नहीं आई है अभी तक। सो अभी आएगी। फाइनली नाउ लेट्स गो। और हमें पहुंचते 2-2.5 घंटा लग गया था। हम 2 बजे अराउंड पहुंचे थे बस रोड का ही इतना। और हम पहुंच गए हैं सेट पे। Say hi. And she is the lady जिनके साथ मैं शूट करने को पता नहीं कब से सोच रही थी, finally it's happening. And she is Celestie और ये दीपक दा, ये सब Now we're gonna start our hair सबसे पहले, और 4 अराउंड मेरा हो जाएगा तो फिर हम मेरा टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा। So yeah, let's start. कल उनका ने अपनी चलाई थी, फिर बाद में कहती नहीं आपने ही सही बोला था। हाँ हाँ, बाल खोल के पहले मेरा वो बाइट रहता है। एक मुझे बता दो ना कौन सा, क्या बोले फिर अंदर। देखो तू कर लेना बाइट, तू उसके बाद चेंज कर लेना। से हाय टू माय ऑडियंस, माय यूट्यूब के ऑडियंस। ऐसे कैसे बताऊं, कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में। वो देख ये ना, आप आज हम कर रहे हैं सुरभि का मेकअप। ओ माय गॉड, आई कैन डू दिस, इज वन ऑफ द थिंग्स आई मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेशन कम्स ट्रू। थैंक यू। And I am ready. अभी हमारा फाइनली हो गया है मेकअप, हेयर, सब कुछ डन। यहाँ पे कर रहे हैं हम? नहीं, हम यहाँ पे बस एक सेकंड आ रही है। तो सब कुछ डन हो गया है। नाउ वी गोना शूट एंड दिस इज माय फाइनल लुक। अभी शूट चल रहा है। हम इस ब्यूटीफुल से लोकेशन में शूट करने के लिए, उस दिन भी हम स्काई बैग के लिए आए थे। तो ये जो एसिएटिक लाइब्रेरी आप देख रहे हो ये रियल वाला नहीं है, इस पे सेट बना है। दिस इज कॉल्ड सेट्स इन द सिटी, इट्स इन भिवंडी, 2 आवर्स ड्राइव फ्रॉम बॉम्बे। एंड बहुत ही सुंदर बना है, पर बहुत बहुत ये सारा जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है यहाँ पे। एंड दिस इज हाउ द होल एरिया लुक्स लाइक, बहुत ही सुंदर है। ये मैं एसिएटिक लाइब्रेरी के सामने सब लोगों को दिखाती हूँ। वेरी प्रिटी। ये मांगती का ठीक करो ना, मांगती का अभी पूरा एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस एंड सिद्धि के बहुत ही अमेजिंग पिक्चर आए, वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत से लगे हैप्पी। अभी हमने रेड बुल, मतलब मैं रेड बुल पी रही हूँ, आप जूस पी रही हूँ, क्योंकि रेड बुल मुझे एकदम कफ सिरप की तरह लगता है। यही है जो जिंदा रखेगी।
मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, तो फिर आपको कैसे पता कब सिरप की जरूरत है? मैंने कुछ हेल करके था वो ट्राई किया अभी पहली बार जिंदगी में, और ऐसा लगा कि बेनाड्रिल थी ये, तो मैंने बचपन में भी नहीं पिया तो अभी भी तो अभी हम कप सिरप पी के बोल रही हूँ मैं, रेड बुल पी के, कप सिरप पिया नहीं पिया उन्होंने, तो अभी हम बैठ के कुछ फोटोज लेंगे। Hi guys, मैं हूँ सुरभि दास and today I am here as we are doing a shoot for Navratri and जो आज styling है, makeup है, सब कुछ किया है। one of my favorites नेहा महाजन जी, and this is like मैंने उनको हर बार बोला है कि I want to do a shoot with you, और specially ऐसे एक पवित्र उत्सव में हमने किया है which is Navratri and the color, वो सारी चीज़ें इतना as you can see सब कुछ, ज्वेलरी हो, हेयर स्टाइल हो, मेकअप हो एंड द ड्रेस, सब कुछ बहुत बहुत टाइम से उन्होंने प्लान किया है इस चीज़ के लिए, एंड आई जस्ट होप कि जो फाइनल आउटकम है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन लव विथ माई लुक, एंड आज जो भी हमने शूट किया है मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी लगेगा। हाँ, वी हैव चेंज्ड, ये है हमारा दूसरा लुक। हाँ, ओ यस, राइट द स्टार। And now they are gonna cut the cake, क्योंकि आज इनकी शादी के 10वीं सालगिरह है, 10th। ओहो, पेपड़ा जी। कहीं तो जा रहे, घर जा रहे, घर, ट्रस्ट अस, हम यही से आए थे तो हम घर लेके चलो, कार लेके चलो, कार लेके चलो, पिंड लेके चलेंगे, पिंड कट कट करके लेते ना। हाँ, कट कर इन दोनों में से ज्यादा अच्छा शूट किसका हुआ? सॉरी यार, मैं खाने लग गया, मैं नहीं खाना चाहिए। नहीं, सिर्फ उनका ले लो आप, हमारा वाला तो मिल गया। जोड़ेंगे किसका हुआ? नहीं, मैंने वो विकेट वाला तो देना ना, बाद में देंगे। हाँ, वो बाद में देंगे, बाद में देंगे। यस, बहुत मजा आया। से बाय टू माय व्लॉग्स। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया है बिकॉज बताती हूँ क्यों, मैंने मेकअप कितनी गंदी लग रही है, वाहियात लग रही है, मैंने मेकअप इसीलिए रिमूव नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं अच्छे से मेकअप रिमूव करूँ, मतलब ऐसे घर पे आके प्रॉपर माइसर ये सब लगा के वैसे मेकअप रिमूव करूँ, तो इसीलिए। एंड देखो, मैंने कल इसको बोला कि मैं बाहर रहती हूँ रात को, तब तो मुझे एक बार भी फ़ोन भी नहीं करती, इसलिए आज इसने मुझे दो बार फ़ोन किया कि क्यों फ़ोन नहीं करती, तो फाइनली उसको समझ आ गई और इसने आज दो बार फ़ोन किया, वो भी ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने उसको कल बोला तो फ़ोन ही नहीं करती। तो अभी हम करने वाले हैं
अभी हम करने वाले हैं मेकअप रिमूव। आम लेके आई है तू इतना सारा, वो भी पर खा लियो बहन या फिर लेके जाइयो सेट पे। ये आम लेके आई है और ये मूली कौन खाता है यार मीनाक्षी? यार ये सैलेड होता है प्लीज, जैसे जैसे खीरा होता है ना वैसे मूली होती है, बहुत अच्छा होता है प्लीज। वो होता है क्या बोलते हैं उसको, डायरिया वायरिया होता है ना, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि तुझे डायरिया हुई है देखो। डायरिया नहीं क्या बोलते हैं यार उसको, किसको? डायरिया नहीं सॉरी वो तो गलत हो गया, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा यार। पीलिया, तुझे पीलिया हुआ है? नहीं मेरे को पीली पीली सी आंख लग रही है यार। मूली यार नहीं, ओ गॉड।